अस्सलामुअलैकुम यमी कुकिंग रेसिपीज़ में वेलकम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल बैंगन का सालन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर बैंगन लिए हैं 4 से 5 अदर, तो इसको इस तरीके से चॉप कर लिया। आलू है 4 अदर, इसको भी हमने इस तरीके से जो है चॉप जो है कर लिया है। 1 अदर टमाटर है मीडियम साइज़ का, 1 अदर प्याज है मीडियम साइज़ की, इसको भी चॉप कर लिया। 2 अदर बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं, ग्रीन चिलीज़ है हमारे पास 6 से 7 अदर छोटी वाली। अगर आपके पास बड़ी साइज़ की है तो आप 2 से 3 ले लीजिएगा। साबुत धनिया है हमारे पास 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पे सौंफ ली है, 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पे पिसा हुआ खोपरा लिया है, 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पे काली मिर्च का जो है पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, यहाँ पे 2 अदद जो है हमने लहसुन लिए हैं इनको चॉप कर लिया है, और यहाँ पे 1 अदद हमने तेज़पत्ता लिया था उसको हमने जो है भून लिया था इस तरीके से। देखें हमने तोड़ लिया है, भून लिया था हमने इसको। और नमक लेंगे हम हसबे ज़रूरत। सबसे पहले हम 1/2 कप जो है ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने सरसों का तेल लिया है, आप चाहे तो पकवान का भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर जो है अब हम प्याज और हरी मिर्च ऐड कर देंगे छोटी वाली जो हमारे पास थी। फ्राई कर लेंगे हम। लहसुन अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अब हम ये सारे मसाले जो है ऐड कर देंगे, काली मिर्च को छोड़ के ये सब ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम बैंगन और आलू ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे और नमक ऐड कर देंगे हसबे ज़रूरत। मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमने जो है 15-20 मिनट तक जो है अच्छे से जो है पका लिया था। इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर देंगे हम और मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम हरा धनिया ऐड करेंगे और हरी मिर्च ऐड कर देंगे बड़ी वाली, और ये जो है रेडी है इसे अब हम निकाल लेंगे। इसको हम अब गार्निश करेंगे हरे धनिए से। तो हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल बैंगन का सालन जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।